गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का ओडिया में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुम्फा कौन ओ काहीं की। तो ये है गुम्फा। गुम्फा ओडिया में बोला जाता है मगर इंग्लिश में उसको बोला जाता है केव। ठीक है, तो वो जो केव है किस लिए है और उसका होने का रीजन क्या है, वो जो केव है वो क्या है, एक्चुअली में वो केव क्या है और वो कौन से काम में आता है, काहे की कौन से काम में आता है, किस लिए है वो केव, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो गुम्फो शब्दर गुम्फा हो यार अर्थ सजेवा किंबा रचना करवा। तो एक ठो ओडिया शब्द है गुम्फो। गुम्फा जो आया है, गुम्फो बोल के एक ठो ओडिया शब्द है उससे आया है, गुम्फो से हुआ है गुम्फा बोल के। यार अर्थ सजेवा किंबा रचना करवा, इसका मीनिंग है, जो गुम्फो का मीनिंग है सजाना होता है, नहीं तो रचना करना। रचना करना का मतलब होता है लिखना, कुछ भी एक चैप्टर के बारे में लिखना होता है। ठीक है, यही रचनात्मक क्रिया जोठे समाहित तो हुए तारो नाम गुम्फा। जो सजाने का चीज है या चाहे वो जो लिखने का चीज है, जिस जगह में बैठ के वो किया जाता है, जहां पे वो समाहित तो, समाहित तो का मतलब जहां पे वो क्रिएट किया जाता है, उस क्रिएट जगह को बोला जाता है गुम्फा। अन्य अर्थ में कहवा को गले आज मनीष समाज आज जो स्तर में पहुंची सही बुद्धि ज्ञान और कौशल को सही गुम्फारु ही प्राप्त करी। तो यहाँ पे बोला गया है आज का जो हमारा इंसानियत का जो सभ्यता है, जो इंसानियत है आज, वो चाहे जितना भी स्तर तक पहुंच गया है, उसका बुद्धि को लेके, उसका विद्या को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, तो वो सब क्या हुआ है, वो पिछले जो गुम्फा में, जो केव में जो हमारे पूर्वज रहते थे, उनका जो लिखित है या चाहे वो उनका जो ज्ञान था, वहां से ही हमको ये सब प्राप्त हुआ है। अगम्य बण जंगल पहाड़ पर्वत ईश्वर द्वारा सृष्टि होता खोला अंश को मध्य गुम्फा कहा जाए। तो फिर बोला गया है गुम्फा। गुम्फा और किसको बोला जाता है, जो हमको पता है कि केव, केव का मतलब होता है गुम्फा। तो क्या होता है केव में, जो नेचर से क्रिएट होता है, जो नेचुरली क्रिएट होता है, चारों तरफ तीनों तरफ से वो ढका होता है और एक तरफ से एक ठो रास्ता होता है, उसको भी हम गुम्फा बोलते हैं। पृथ्वीर एभली अनेक पहाड़ पर्वत रही जो ठारे कि आमर पूर्वपुरुष बा आदिव मानव माने खरा वर्षा शीत काकर रक्षा पाइबापी से ही पहाड़ पर्वतर थिबा गर्त और गह्वर बा खोल बा गुम्फा मानकर ही बसवास करुथिले। तो यहाँ पे बोला गया है, तो पिछले जमाने में आर्ली मैन, तुम लोग पढ़े हो अपने SST में, आर्ली मैन बोल के एक थो स्टेज था जहाँ पे हमारे पूर्वज कहाँ पे रहते थे, सब जंगल में रहते थे। तो वहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो पूर्वज थे या जो आर्ली मैन थे, वो सब अपने आप को बारिश से, धूप से, ठंडा से, जो ठंडी बोलते हैं, बचाने के लिए वो लोग कहाँ पे रहते थे, वो लोग बड़ा बड़ा केव में सब वो अपने गुजारा करते थे या वो वहाँ पे वो रहते थे, जिससे क्या होता था, वो लोग तो कुदरत से की कहर से बच जाते थे। और सेकंड एडवांटेजेस क्या था कि वो जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल से भी बचे रहते थे। केबे केबे बणर हिंस्र जंतु बाघ सिंह हाथी और भालू आदि ठारु रक्षा पाइबापी से ही गुम्फा मानक पशि जाए निजर आत्मरक्षा करते, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोला जितने भी वाइल्ड एनिमल से भी वो लोग बच जाते थे। से माने बणर फलमूल और कंचा मांस खाइबा सहित लंगला रहुथिले, एणु काहीकि क्यों आदिम जुगर पहाड़ पर्वत देहरे सृष्टि होइछि गुम्फा। ए मानक सहित आम मनीष समाज संपर्क निविड़ थिला ओ एबे मध्य रहिछि। अवश्य आज आधुनिक जुगरे एही गुम्फा मानकर महत्व को आमे उपलब्धि करि पारु नाहुं, किंतु दिन थिला जेतेबेले आदिम अधिवासीक उपरे मनीष उन्नत और सभ्य हेला, सेही समय रे आम देशर हजार हजार मुनि ऋषि साधु संत साधक ओ महापुरुष माने बण जंगल रे एही निस्तब्ध ओ निकांचन गुम्फा मानकर बसी जोग साधना करी सिद्धि लाभ करुथिले, तथा से मानक साधनार फल को आमे आम समाज रे बांटुथिले। तो यहाँ पे बोला गया है कि पिछले
या जो आगे से जो हमारे अर्ली मैन थे वो केव में रहते थे, और जो जितना भी जंगली फ्रूट्स था उसको वो लोग खा के अपना गुजारा करते थे। उनको आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, जो मीट होता था मीट को वो कच्चा ही खा जाते थे। मगर आज क्या हुआ है, हमारा डेवलप होते होते हम बहुत आगे आ गए हैं, उनको सब पीछे छोड़ गए हैं। तो जो केव था वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे मुनि ऋषि साधु साधक कवि पंडित बहुत सारे वहाँ पे ही पहले रहते थे, और वहाँ पे ही वो लोग अपना ज्ञान का सिद्धि करके हमारे इंसानों की बस्ती के तरफ आते थे, और अपना ज्ञान जो था वो हमारे अंदर सब वो बिखेर देते थे या वो हमको ज्ञान बांटते थे। मगर आज क्या हुआ है, आज के जमाने में जो केव है उसका और कोई भी अहमियत नहीं रहा है। जैसे कि हमारे भुवनेश्वर में एक ठो जगह है खंडोगिरी उदयगिरी जो बोलते हैं, वो भी एक ठो बड़ा बड़ा केव था। वहाँ पे भी पहले जो बौद्ध का जो मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क बोला जाता था उनको, वो लोग वहाँ पे रहते थे पहले, और अपना जो ज्ञान होता था वो हमको बांटते थे। तो फिर आगे पढ़ते हैं, आम जातीय संस्कृति और परंपरा रे साधु संत और मुनि ऋषि मानकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण अटे। ये तो सब हमको पता है कि जो हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति है, परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो साधु संत और मुनि ऋषियों के बिना अधूरा रहेगा। उनका योगदान बहुत अहमियत रखता है। समाज को आध्यात्मिक दिग्दर्शन देवा, समाज को श्रृंखलित और परिमार्जित करवा, धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतना रे समाज को सरस और सुंदर कर गढ़ एमानंकर अवदान अतुलनीय। तो जो साधु संत थे, मुनि ऋषि जो भी थे, वो हमको क्या करते थे कि समाज को कैसे शांति से चलाना है, कैसे हमको अपने जो व्यवहार है उसमें जो कमियां होते था जो कमियां होता था उसको वो लोग हमको सुधारने के लिए बोलते थे। हमको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, जिससे क्या होता था, हमारे जीवन को हम लोग सुंदरता से बना सकते थे, या जो भी हमारे जिंदगी में चलने के लिए जो भी खोट था उसको हम सुधार के अच्छे हमारे जिंदगी को सुधार सकते थे। यही गुम्फा रू ही ज्ञानों का जन्म। तो बोला जाता है कि जो केव्स था वहां से ही ज्ञान का जन्म हुआ है। यही गुम्फा मानकर साधना करी बहु साधारण मनुष्य असाधारण व महापुरुष पलटी जाती। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी केव्स था वहां पे केव्स में एक साधारण इंसान भी जाके वहां पे तप करता था, या जो तपस्या करता था, मेडिटेशन जो बोलते हैं, मेडिटेशन करने के बाद वो क्या हो जाता था, एक असाधारण व्यक्ति बन जाता था, एक असाधारण इंसान बन जाता था। से माने बौद्ध भिक्षु हुंतु वा जैन सन्यासी किंबा बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी की संथ अरक्षित दास हुंतु, समस्ते यही गुंफारे वर्ष वर्ष धरी साधना करी सिद्धि लाभ करिछंती ओ समाजर पथभ्रष्ट विभ्रांत मनीषकु सुपथकु आनिछंती। एणु आम समाज को गुंफा संस्कृतिर अवदान अतुलनीय अटे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, चाहे वो बुद्धिस्ट मंक हो, जैन का कोई साधु हो, या हमारे बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी हो, या अरक्षित दास हो, चाहे जो भी साधु सन्यासी हो, वो क्या किए थे, सालों दर साल वो केव में बैठ के तप किए थे। उनके बाद ही उनका ज्ञान का सिद्धि लाभ हुआ था, जिससे कि वो अपने ज्ञान की बदौलत जो भी इंसान अपने कर्म से वो दूर हट गया होगा उसको वो अच्छी ज्ञान अच्छी नॉलेज देके वो उसको फिर से कैसे वो अपना जीवन को ठीक से चलाएगा उसका मार्गदर्शन वो लोग करते थे। इसलिए जो केव होता था उसका भूमिका हमारे ट्रेडिशन को सुधारने में बहुत मायने रखता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पेज। किंतु दुखर कथा जे आमे मनुष्य समाज को एते अवदान देथिबा ओ आम आदि मानव को आश्रय दे जीवन बंचाई थिबा एही गुंफा मानक विषय आमे जुगर पिला केबे भी किछि भाबु नाहुं। अनेक गुंफा आज भांगी रुजि निश्चिन्न हो गलेणी, अनेक गुंफा लोकलोचन दूर रे थाई अखोजा अलोड़ा हो अतीत को झुरुछंती, अनेक प्राकृतिक दुर्विपाक पोति हो गलेणी तथापि से माने बंचिछंती। चालो से मानंकु भेटी पचारी बुझिबा जे किए से माने किए ओ कौन से मानंक अवदान। तो यहाँ पे बोला गया है कि
जितने भी केप्स हैं आज के जमाने के लड़के उनसे अवगत नहीं है, उनसे पहचान उनका नहीं हो पाया है। जिससे क्या होता है, जो केप का जो अवदान है हमारे संस्कृति के लिए उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। जिसकी बदौलत क्या हो रहा है, आज बहुत सारे केप्स हैं जो कि टूट गए हैं, कुछ का नामो निशान भी अभी नहीं है, और कुछ क्या है हम बहुत दूर में है, कहाँ पे जंगल के बीचों बीच है, जहां पे जाने के लिए ना तो रास्ता है ना तो और कोई साधन है, जिसके बदौलत हम वहां पे पहुंच नहीं पाते। जिससे क्या हो रहा है, उनकी खूबसूरती को हम लोग देख नहीं पाते या उनकी अहमियत को हम लोग समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे बोला गया है कि चलो उन पूछते हैं कि केप्स कौन है और वो कैसे करके यहाँ पे आए हैं और उनका अवदान क्या है, उनका भूमिका, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में पूछते हैं बोल के बोला गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है, यही गुंफा तीन प्रकार अटे, प्राकृतिक बा ईश्वर निर्मित गुंफा, व्यक्तिगत गुंफा बा कौन सी व्यक्ति विशेष साधक किंबा मुनि ऋषि बना होइथिबा, तीन रे राजा महाराजा द्वारा निर्मित बहु कोठरी विशिष्ट उन्नत गुंफा समूह। तो यहाँ पे बोला गया है जो केप्स होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहले में आ गया नेचर से बनाया गया हो, जो पहले से बना हुआ है, जो नेचर से बन के उघरा हो। दूसरे में मैन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाया गया होगा। तीसरे में कोई राजा या महाराजा बनाया होगा जो कि बहुत सारे कोठरियों को लेके, बहुत सारे रूम को लेके वो बना होता था। राजा जो धर्म ग्रहण करती तांको राज्यर समस्त प्रजा से ही धर्म को ग्रहण करती। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई राजा, कोई एक ठो किंगडम का राजा अगर कोई एक स्पेशल धर्म को वो लेता है, दीक्षित होता है, तो क्या होता है, वो बाउंड हो जाता है कि उस किंगडम के जितने भी सारे प्रजा रहेंगे वो धर्म को स्वीकारने के लिए बोलो, चाहे उनका मर्जी हो या ना हो वो लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जदि से ही धर्म रे साधु संत बा साधकों का भूमिका अधिक थाए ताहेले राजा माने से मानों को पाई रहिबा खाइबार समस्त व्यवस्था करी थांती। तो राजा जोन सा भी धर्म को वो लेता है, ग्रहण करता है, तो वहां पे अगर उस धर्म के अगर कुछ साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तो उनके खाने पीने का, खाने का पीने का रहने का, उनके पहनने के लिए कपड़ा, ये सब कौन उनको प्रोवाइड करता था, राजा ही प्रोवाइड करते थे। जोथा आम ओडिशा रे जैन धर्म रो उत्पत्ति ख्रीष्ट पूर्व 600 अटे। तो यहाँ पे बोला जाता है हमारा जो स्टेट है ओडिशा है, यहाँ पे जैन धर्म का प्रचार और प्रसार कब से हुआ था, एडी 600 से हो गया था। सम्राट खारवेल यही धर्म को ग्रहण कला परे जैन सन्यासी मानंक पाई भुवनेश्वर खंडगिरी और उदयगिरी पर्वत रे बहु गुंफा निर्मित बा निर्माण करी थिले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे ओडिशा का एक ठो राजा थे, बहुत पावरफुल राजा थे, जिनका नाम था खारवेल बोल के। जब खारवेल राजा क्या के जैन धर्म को ग्रहण कर लिए, उसके बाद से वो जो जैन के साधु संत थे उनको रखने के लिए, उनके रहने के लिए बोलो खंडगिरी और उदयगिरी, दो ठो जगह है खंडगिरी और उदयगिरी बोल के, वहाँ पे पहाड़ को खुदाई करके बहुत सारे केप्स का निर्माण किए थे। तो मैं पहले से आप लोगों को बोल रहा था कि हमारे ओडिशा का भुवनेश्वर के पास खंडगिरी और उदयगिरी है, जहाँ पे बहुत सारे केप्स दिखाई जाते हैं बोल के, तो यही वो जगह यहाँ पे आ गया। देखो खंडगिरी और उदयगिरी पर्वत बोल के, ठीक है, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। सही भले ओडिशा रे बौद्ध धर्म रो प्रचार समय ख्रीष्टीय 261 अटे। तो यहाँ पे जैन धर्म का आ गया एडी 600 में, और बौद्ध धर्म का बुद्धिस्ट धर्म का यहाँ पे टाइम दिया गया है एडी 261 बोल के। अशोक सम्राट कलिंग युद्ध परे बौद्ध धर्म द्वारा आकृष्ट हो यही धर्म रो प्रचार और प्रसार कराई थिले, बहु स्थान रे बौद्ध सन्यासिंक पाई इटार गुंफा मान निर्माण करे थिले। तो यहाँ पे देखो
जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक, जो अशोक अशोका पिलर है, अशोका चक्र है, उनके नाम पे ही है। तो जो राजा अशोका थे वो जब कलिंग को अटैक किए और कलिंगा युद्ध में वो विजयी होते हैं, जो वो ऑन होते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना मन को वो परिवर्तन कर देते हैं और धीरे धीरे बुद्ध धर्म के प्रति उनका आग्रह जाता है और वो बुद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे वो स्प्रेड होगा बोल के उसके लिए वो ज्यादातर ध्यान देते हैं। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए वो ब्रिक्स का, ब्रिक्स मतलब ईटा, ब्रिक्स का वो केप्स बनाए थे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा जगह में अशोक बुद्ध धर्म के सन्यासियों के रहने के लिए केव्स बनाए थे बोल के, तो ये जगह सब अच्छे से याद रखना। अभी जगह का नाम बोल रहा हूं, जैसे कि एक तो है ललितोगिरी, रत्नोगिरी, उदयोगिरी, लंगुली पहाड़ों इत्यादि। तो ये पांच ठो, चार ठो जगह है, इस जगह का नाम अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। एबे आसो देखिबा आम ओडिशार क्यों क्यों स्थान रे क्यों क्यों गुंफा अच्छी। तो अभी हम और पढ़ेंगे उड़ीसा के कौन कौन से जगह में और कौन कौन सा केप्स है बोल के। तो जो भी मैं नाम लूंगा उसको अच्छे से याद करो, सुनना है और अच्छे से याद करना है, और बुक में पढ़ के अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये सारा केप्स का नाम आएगा एग्जाम में। ओके, तो देखो धीरे धीरे करके बोलूंगा, अच्छे से याद रखना है केप्स का नाम, बहुत सारा नाम है, 20-30 नाम होगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। देखो खंडोगिरी रो खंडोगिरी गुंफा, खंडोगिरी बोल के जो जगह था वहां पे खंडोगिरी गुंफा है, खंडोगिरी केप्स। उसके बाद अनंत गुंफा, ततुआ गुंफा, तेंतुली गुंफा, ध्यानो गुंफा, नवमुनि गुंफा, बारभुजी गुंफा, त्रिशूल गुंफा, अंबिका गुंफा, ललाटेंदु गुंफा ओ एकादशी गुंफा, हाथी गुंफा, पवन गुंफा, चंपपुरी गुंफा, सर्प गुंफा, व्याघ्र गुंफा, जम्बेश्वर गुंफा, राणी गुंफा, बाजघर गुंफा, अलकापुरी गुंफा, विजया विजया गुंफा, पणस गुंफा, ठाकुरानी गुंफा, ध्यानघर गुंफा, पातालपुरी गुंफा, गणेश गुंफा, हरिदास गुंफा, जगन्नाथ गुंफा, रोसई घर गुंफा, जाजपुर जिल्लार रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरीर चैत्य गुंफा, ओलाशुणी गुंफा, गांगी पहाड़ गुंफा, महाबील गुंफा, चंडीखोलर महाविनायक गुंफा, छतियार अमरावती गुंफा ओ ओहियास गुंफा, कटक जिल्लार जौलका पहाड़ मणिनाग गुंफा, नली गुंफा, लंगलसियार गुंफा, भरतपुर कनकगिरी गुंफा, पंचुपांडव गुंफा, बरपदा गुंफा, सपनपुर ध्वनि गुंफा, आंब पहाड़ गुंफा, चेमेणिया गुंफा, सफा ग्रामर बिंचेणी गुंफा, पथरकटा गुंफा, बाजेणी गुंफा ओ चौद्वार कपालेश्वर गुंफा, इंद्राणी गुंफा, कुशपंगी गुंफा, ढेंकानाल जिल्लार कोरंगा गुंफा, एंतुड़ीशाल गुंफा, पणसई गुंफा, कपिलास गुंफा, नरसिंहपुर ऋषिधर गुंफा, संबलपुर जिल्लार बुढ़ाराजा गुंफा, मौनीबाबा गुंफा, गंजाम जिल्लार परशुराम गुंफा, नली गुंफा, नारायणी गुंफा, चंद्रगिरी गुंफा, कोरापुट जिल्लार गुप्तेश्वर गुंफा, माधव गुंफा, कुमुड़ा गुंफा, जगन्नाथ गुंफा, बलांगीर जिल्लार हरिशंकर गुंफा, कंत्रदेवी गुंफा, भवानीपाटणार गुड़हांडी गुंफा, केउझर बायाहुड़ी गुंफा, झारसुगुड़ार विक्रमखोल गुंफा, बालेश्वर चंद्रचूड़ा गुंफा, पुरी जिल्लार नीलकंदर ओ पांडववन गुंफा, बांकीर नरहरी गुंफा, आठगड़ सुकासन गुंफा तथा महानदी कूल अनंत गुंफा, भागवत गुंफा,
सिद्धेश्वर गुंफा, छेनाखिया गुंफा, डालभाग गुंफा, गौड़झरी गुंफा ओ अन्यान्य शहशह गुंफा ओडिसारे रही अछि। एही गुंफा मानकर केही ना केही जोग साधना करी आम समाज को दिग्दर्शन दे मंगल साधन करी। एणु गुंफा मानकर अवदान अवर्णनीय अटे। तो यस रहा हमारे उड़ीसा में जितने भी जगह में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा केव्स है इसका नाम दिया गया है। इसको मैं क्या करूँगा वीडियो के एंड में एक तो फोटो उठा के दे दूंगा, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा वीडियो को पॉज करना और ये जो गुंफा है उसको अच्छे से देख लेना और अपने CW कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही है, चैप्टर को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे केव्स का नाम दिया गया है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा के बलांगीर जिला में कौन कौन सा केव्स है बोल के आएगा क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे, जैसे कि बलांगीर जिला में है हमारा हरिशंकर गुंफा, ये वाला लिखना है। वैसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, मैं क्या करूँगा इसका एक ठो फोटो अभी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।